नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि आज थामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। थामी कैबिनेट की बैठक में लगी 18 प्रस्तावों पर मोहर, लंबित परीक्षाओं पर भी हुआ फैसला। दोस्तों, अब क्या होने वाला है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, कर दीजिए वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसमें लगभग 18 जो है प्रस्तावों पर मोहर लगी है। ये है जैसे कैबिनेट के मुख्य बिंदु। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्ती और प्रमोशन में आ रहे अड़चनों के चलते प्रधानाचार्य के पदों को 50% पदोन्नति और 50% परीक्षा कराकर भर्ती किया जाए। तकनीकी शिक्षा विभाग ये है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मोहर। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भर्ती किए जाने पर मंत्रिमंडल ने लगाई मोहर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी यूके ट्रिपल एससी के पेपर लीक मामले के बाद जो परीक्षाएं अधर में लटकी हुई हैं, उन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। आप सभी के लिए दोस्तों अच्छी खबर है, ज़बरदस्त खबर है। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको पूरा बताता हूँ। यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कई परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाने पर लगी मोहर। यूके ट्रिपल एससी की जो दोस्तों जो भी भर्तियाँ हैं वो अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराने वाला है। 7000 पदों को यूके ट्रिपल एससी की जगह लोक सेवा आयोग निकालेगा विज्ञापन। अब दोस्तों, जो नए विज्ञापन हैं वो भी अब यूके ट्रिपल एससी दोस्तों नहीं निकालेगा। अब निकालेगा जो नए विज्ञापन आने वाले हैं, कनिष्ठायिक आने वाले हैं, स्टेनो की पोस्ट आने वाली है, जो भी दोस्तों अब नई पोस्ट आने वाली है वो सभी दोस्तों अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उनका विज्ञापन निकालेगा, उसके द्वारा दोस्तों विज्ञापन निकाला जाएगा। ये देखिए, यूके ट्रिपल एससी की 5 परीक्षाओं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जिनके टोटल पदों की संख्या 770 है, उन्हें भी लोक सेवा आयोग करेगा। शिक्षा विभाग में 2 स्कूलों का हुआ एकीकरण। दोस्तों, यही आपके लिए बड़ी खबर है। अब आप तैयारी करते रहिए, बाकी बहुत जल्दी दोस्तों पेपर भी होंगे। अब देखने वाली बात होगी पेपर कब होंगे। अब दोस्तों, सिलेबस में जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा, अगर होता भी है तो देखने वाली बात होगी। वो जो भी अपडेट होगी वो आपको मिल जाएगी। जहाँ तक दोस्तों जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। अब बाकी दोस्तों आगे पता लगेगा कि क्या होता है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।